दोस्तों, क्या आप Amazon पे सेल कर रहे हैं और अपने लिस्टिंग के सेलिंग प्राइस को कम करना चाहते हैं ताकि आपके ऑर्डर इंक्रीज हो सके, बट मैक्सिमम सेलर अपने लिस्टिंग के जो सेलिंग प्राइस है उसे कम नहीं कर पाते हैं क्योंकि मार्जिन ही बहुत कम रहता है। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप अपने लिस्टिंग के प्राइसिंग को भी कम कर सकते हो और आपका मार्जिन भी कम नहीं होने वाला है। गाइज, आपकी लिस्टिंग की जो प्राइसिंग होगी आपके कंपटीटर से लो होगी तो कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, आपकी लिस्टिंग को देखेंगे और फिर आपको ही ऑर्डर करेंगे। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि आप अपने लिस्टिंग के प्राइसिंग को कैसे कम कर सकते हैं और आपका मार्जिन भी कम नहीं होने वाला है। गाइज, इस ट्रिक को बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ट्रिक, और ये ट्रिक कैसे काम करता है चलिए डिटेल में देखते हैं। हे गाइज, वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया है और इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसे कम कर सकते हैं और आपको लॉस भी नहीं लगने वाला है। तो गाइज, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बहुत से सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेलर हैं जो इसे काफ़ी कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेलर है 549 में सेल कर रहा है, एक सेलर है 249 में सेल कर रहा है, जबकि यहाँ पर 199 में भी सेलर इसे सेल कर रहे हैं। तो जो कम प्राइसिंग में सेम प्रोडक्ट को उस कम प्राइसिंग में सेल कर पा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ भी हाई प्राइसिंग है, तो वो ठीक पता है जो इन सेलर्स को नहीं पता है, जिसके कारण से देख सकते हैं इन्होंने अपना प्राइस काफ़ी कम कर लिया। 199 तक यहाँ पर इन्होंने ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग में सेल कर रहे हैं, उन्हें लॉस भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, 399, 249, 199, जबकि यहाँ पर एक सेलर 189 का ही सेल कर रहा है। तो इसी सेलर को ओपन करते हैं लिस्टिंग और देखते हैं आखिर ऐसा इसने क्या किया है जिसके थ्रू इससे कम प्राइस में ये प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो ये ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लिस्टिंग में। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक का नाम बताया था मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज इन्होंने कितना करके रखा है, 2। अब कस्टमर जब भी इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा वो मिनिमम उसे 2 पीस तो लेना ही पड़ेगा। अब जब हम इसे 2 पीस कर देते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग है, शिपिंग कॉस्टिंग, वो काफ़ी बच जाती है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके वेट काफ़ी कम होते हैं। तो आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके वेट कम है, जैसे यहाँ पर देखिए 150 ग्राम है, तो हम इसके 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 1 पीस सेंड करें या फिर 2 पीस सेंड करें, हमें शिपिंग कॉस्ट तो उतना ही देना है क्योंकि 500 ग्राम तक का वेटेज होता है। तो इस तरह आप अपने लिस्टिंग के प्राइसिंग को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नॉर्मल तरीके से इसे नहीं कर पाओगे, ये क्वांटिटी आपको अगर एक्सटेंड करनी है, तो यहाँ पर अगर नॉर्मल रहेगा तो 1 ही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लिस्टिंग को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर 1 रहेगा, लेकिन आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, लेकिन जो सेलर इस ट्रिक को जानते हैं उन्होंने यहाँ पे 2 करके रखा है। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए गाइज, इससे मैं थोड़ा प्रेजेंट करता हूँ। तो सो गाइज देख सकते हैं, जब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2 होता है, तो मान लीजिए प्रोडक्ट का परचेज प्राइस 100 100 है और 90 रुपीज़ में शिपिंग चार्ज लग रहा है और 30 रुपीज़ इसका कमीशन लग रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कितना हो गया, 320 रुपीज़। यानी एक प्रोडक्ट का ये कॉस्टिंग, 2 प्रोडक्ट का ये कॉस्टिंग है 320, तो एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग हमारा कितना हो जाएगा, 160 रुपीज़। यही अगर हम नॉर्मल लिस्टिंग की बात करते हैं, जहाँ पर आप कस्टमर 1 पीस बाय कर सकते हैं, तो हमारा 100 रुपीज़ कॉस्टिंग प्राइस हो गया। यहाँ पर भी हमें 90 रुपीज़ ही देना पड़ेगा शिपिंग कॉस्ट, क्योंकि ये 150 ग्राम का वेट है और इसमें कमीशन भी हमारा 30 रुपीज़ लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट का सॉरी कॉस्टिंग क्या हो गया, 220 रुपीज़ कॉस्टिंग। यहाँ पर कमीशन जो है थोड़ा सा, यहाँ पर कमीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये 30 है तो मान लीजिए 60 हो जाएगा, तो 190 यहाँ पे कॉस्टिंग निकलेगा, और यहाँ पर आपका जो कॉस्टिंग है वो निकलेगा 220 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाता है इसके, और यहाँ पे आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो गाइस यही ट्रिक ये सेलर्स अप्लाई करते हैं जहाँ पर इनकी कॉस्टिंग 1 पीस की कम हो जाती है। यहाँ पर आप 1 पीस बेच रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही ट्रिक आपको भी अप्लाई करना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का। अब देखते हैं कि इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो गाइज, अभी हम देखेंगे कि हम MOQ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने सेलर पैनल पे आपको आना है और यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और इसके सर्च करना है। इससे क्या होगा कि हमारे आर्टिकल यहाँ पे आपको शो करेगा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का, और यहाँ पे आपको ये जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला आर्टिकल है इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले तो टेम्पलेट डाउनलोड करना है जिसपे हम अपनी लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन, तो उससे आपको अपने टेम्पलेट को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड द MOQ टेम्पलेट को क्लिक करना है, एक एक्सेल शीट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एक आपको लिंक मिलेगा जिससे हम MOQ
यानी अप्लाई करेंगे तो वहां पर देख सकते हैं एमओक्यू रिक्वेस्ट है, तो इस पर आपको क्लिक करना है तो एक लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस अब इस लिंक पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी हमें डिटेल फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम उस एक्सेल शीट को देख लेते हैं जिस एक्सेल शीट का यूज करना है हमें। सबसे पहले तो उस एक्सेल शीट को हम ओपन करते हैं। तो इस एक्सेल शीट में देखिए गाइस जो ब्लैक कलर से है हाईलाइटेड वो मैंडेटरी है और जो ग्रे कलर से है वो मैंडेटरी नहीं है, तो हम मैंडेटरी फील ऑफ फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मर्चेंट टोकन नंबर देना है, तो मर्चेंट टोकन नंबर आप कहाँ से लेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको यहाँ मर्चेंट टोकन नंबर देना है, इसके बाद आपको जिस लिस्टिंग के ऊपर एमओक्यू अप्लाई करना है उस लिस्टिंग का यहाँ एसआई नंबर देंगे, उसका एसक्यू यहाँ पर फिल करेंगे, उससे अभी किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ये मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर आपको लिमिट लगानी है यानी कितने पीस आप लिमिट रखेंगे, 3 पीस रखना है या फिर 2 पीस रखना है, मतलब कितने कस्टमर कम से कम ऑर्डर करें वो आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये आपको फिल करके सिंपली क्या करना है सेव कर देना है। अगर आपको एक से ज़्यादा लिस्टिंग है तो उसके नीचे बस आपको ऐड करते जाना है, यहाँ पर आपको मर्चेंट टोकन नंबर वही सेम ही रहेगा जो आप ऊपर में फिल करेंगे, फिर यहाँ एसआईएन आपको फिल करना है, एसक्यू फिल करना है, प्राइस फिल करना है जिस प्राइस पर भी आप सेल कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको एमओक्यू लिमिट सेट करनी है और जितनी भी लिस्टिंग आपको बस वन बाय वन यहाँ पर ऐड करना है। तो एक लिस्टिंग है तो सिर्फ आप सिंपली एक ही फिल कर लीजिए और यहाँ पर आप उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको क्या करना है वापस से इस लिंक पर आना है जो लिंक हमने यहाँ पर अपने अपने एमएक्यू से हमने देखा था, तो उस लिंक पे आप आइएगा। उसके बाद ये लिंक रहा है हमारा और इसमें आपको डिटेल फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मर्चेंट टोकन नंबर देना है, तो आगे मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा मर्चेंट टोकन नंबर को कैसे मिलेगा। उसके बाद आपका मर्चेंट नेम यानी जिस नेम से आपका सेलर अकाउंट है वो आपको यहाँ फिल करना है, या आपका अमेजोन में जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ देना है, आप सेम रख सकते हैं दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपना यहाँ आपको नाम देना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ फिल करना है और यहाँ जो थर्ड नंबर जो देख रहे हैं इस पर आपको चूज पे क्लिक करना है और जो एक्सेल शीट हमने जरा डेटा रेडी किया था उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारा यहाँ पर अटैच हो गया, देख सकते हैं नाम आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमको आई ऑथराइज पे क्लिक करना है और नीचे आके सिंपली सबमिट कर देना है। तो सबमिट करते ही गाइज आपको विद इन यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका सबमिट हो गया है और विद इन 24 आवर आपको जो जो भी आप लिस्टिंग आपने ऐड किया है उसके ऊपर आपका MOQ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह का जब MOQ अप्लाई कर लेते हैं, अब हम देखते हैं कि हम कहां से लाएंगे अपना मर्चेंट टोकन नंबर। तो इसके लिए आपको सिंपली सेलर पैनल पे जाना है, सेटिंग पे जाना है और अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है। यहां पर आपको योर मर्चेंट टोकन का एक ऑप्शन होता है, वहां से आप अपना मर्चेंट टोकन ले सकते हैं। तो जैसे आप अकाउंट में आएंगे तो यहां पर देखिए योर मर्चेंट टोकन का एक ऑप्शन है, तो इससे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मर्चेंट टोकन नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये मर्चेंट टोकन नंबर आपको दोनों जगह फिल करना है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो जहाँ हमने देखा कि कैसे हम अपनी लिस्टिंग की सेलिंग प्राइस को कम कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।